और अब बात दूसरे आरोपी मिलिंद एकबोटे की कर लेते हैं। मिलिंद एकबोटे पर भी केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि मिलिंद एकबोटे के कार्यकर्ताओं ने भीमा कोरेगांव जा रहे दलितों से हिंसा की। आपको बता दें कि मिलिंद एकबोटे हिंदू एकता मोर्चा नाम का संगठन चलाते हैं। 56 साल के मिलिंद एकबोटे गोरक्षा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। 56 साल के हैं मिलिंद एकबोटे, जो कि गोरक्षा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी से 1997 से 2002 तक पुणे के पार्षद रह चुके हैं एकबोटे। मिलिंद एकबोटे का पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। साल 2014 में मिलिंद एकबोटे ने शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था विधायकी का, लेकिन वो हार गए थे। मिलिंद एकबोटे पर दंगा फैलाने, धमकी देने समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 मामलों में मिलिंद एकबोटे को दोषी करार दिया जा चुका है। पुलिस पर एकबोटे और संभाजी भिड़े दोनों को गिरफ्तार करने का दबाव है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के ऊपर कि इन दोनों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।